नमस्ते खाने के शौकीनों, आज हम केचप की दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। ये चौई सीधा चटनी दुनिया भर के घरों में मिलती है। इसका एक समृद्ध इतिहास है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बनाने की प्रक्रिया है। मेरे साथ जुड़ें और देखें कि कैसे टमाटर के खेतों से ये केचप आपकी खाने की मेज तक पहुँचता है। हमारा सफर शुरू होता है इसके मुख्य घटक टमाटर से। जरा सोचिए, सन में नहाए हुए विशाल खेत जहाँ टमाटर के पौधों की कतारें लगी हुई हैं। किसान इन पौधों का बखूबी ध्यान रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि टमाटर एकदम लाल हो जाएं। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता है। एक बार कटाई के बाद ये जूसीले लाल रत्न एक नए सफर पर निकलते हैं। खेतों से कारखानों तक कई तरह के बदलावों से गुजरते हुए उस कांच की बोतल में पहुँचने से पहले जिसे हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं, टमाटर। हमारे केचप का दिल गर्म जलवायु में पनपते हैं और उन्हें भरपूर सन और पानी की जरूरत होती है। किसान ध्यान से टमाटर की उन किस्मों का चयन करते हैं जो केचप उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। मोटे जूसीले टमाटर जिनका स्वाद संतुलित होता है। इसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है जिसे पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में सावधानी से लगाया जाता है। जैसे ही पौधे उगते हैं, किसान पानी, पोषक तत्व और कीटों और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके विकास की बारीकी से निगरानी करते हैं। कटाई का समय खेत पर बहुत भागम भाग वाला होता है। एक बार जब टमाटर पूरी तरह से पक जाते हैं तो श्रमिकों की टीमें यह सुनिश्चित करते हुए सावधानी से प्रत्येक फल को चुनती हैं कि केवल सबसे अच्छे टमाटर ही केचप उत्पादन के लिए चुने जाएं। कटाई के बाद समय बहुत जरूरी हो जाता है। टमाटर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी और सही तरीके से जूसंस्करण संयंत्रों तक पहुंचाना चाहिए। बड़े ट्रक जिन्हें अक्सर ताजगी बनाए रखने के लिए ठंडा किया जाता है, टमाटर को उनके सफर के अगले पड़ाव पर ले जाते हैं। जूसंस्करण संयंत्र में पहुंचने पर असली जादू शुरू होता है। टमाटर को अच्छी तरह से धोया जाता है और छांटा जाता है। किसी भी क्षतिग्रस्त या खराब फल को हटा दिया जाता है। केवल सबसे अच्छे टमाटर ही केचप बनाने की प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ते हैं। खेत से कारखाने तक का सफर कृषि, परिवहन और प्रौद्योगिकी के जटिल नेटवर्क का प्रमाण है जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास हमारी चौसीदा चटनी की निरंतर आपूर्ति हो। भाग 4, चटनी का निर्माण, टमाटर को केचप में ट्रांसफॉर्मिंग। अब चलिए केचप फैक्ट्री के अंदर चलते हैं जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। छांटे गए टोमेटोजों को कुचला जाता है और पकाया जाता है जिससे उनका रस और प्राकृतिक मिठास निकलती है। यह प्रक्रिया टमाटर की खाल और सीधों को नरम करने में भी मदद करती है जिन्हें बाद में फिल्टरिंग प्रक्रिया के माध्यम से हटा दिया जाता है। अगला नंबर स्वाद के जादू का है। टमाटर के प्यूरी में सावधानी से मापी गई मात्रा में सिरका, चीनी, नमक और मसालों का मिश्रण मिलाकर वह खास केचप का स्वाद तैयार किया जाता है जिसे हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं। आखिरी चरण है बॉटलिंग। तैयार केचप एक चिकना और चमकदार लाल मिश्रण स्टेरिलाइज्ड कांच या प्लास्टिक की बोतलों में डाला जाता है। ताजगी बनाए रखने के लिए कसकर सील कर दिया जाता है और वितरण के लिए लेबल किया जाता है। भाग 5, केचप एक वैश्विक चॉइस। साधारण शुरुआत से केचप एक वैश्विक घटना बन गई है जो इसकी बहुमुखी प्रतिभा और सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। खाद्य उद्योग के दिग्गज जैसे हेंज और हंट बाजार पर हावी हैं। हर साल लाखों बोतलें केचप का उत्पादन करते हैं। केचप उद्योग का आर्थिक इम्पैक्ट महत्वपूर्ण है। यह फार्मर्सों, कारखाने के कर्मचारियों, परिवहन नेटवर्क और इस प्यारी चटनी के उत्पादन और वितरण में शामिल अनगिनत अन्य लोगों का समर्थन करता है। तो अगली बार जब आप केचप की उस बोतल तक पहुंचें, तो एक पल के लिए उस यात्रा की सराहना करें जो उसने तय की है। यह सन में पके टमाटर, कृषि विशेषज्ञता, पाक कला की सरलता और एक साधारण लेकिन टेस्टिस्ट चटनी के साथ वैश्विक प्रेम जूसिंग की कहानी है।